लिया है ब्लैक कलर का और एक गोल्डन और ब्लैक कलर का मेरा नेट का मटेरियल है। तो सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे फोर फोल्ड में, जैसे कि हम सारी कुर्ती कट करते हैं उसी तरह, बट मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे कट कर फोल्ड करना है। तो जो भी आपका नाप है, फॉर एग्जांपल आपका दामन, आपका चेस्ट, जो भी आपका ज़्यादा नाप है उसे आपको सबसे पहले लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा है 20 इंच, दामन का सबसे ज़्यादा नाप है मेरी बॉडी का, तो वो लेकर मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी, फिर अगेन मैं एक और फोल्ड करूँगी। इस तरह आपको फोल्ड करना है, जो भी आपका ज़्यादा नाप है उसे लेना, ताकि बचे हुए कपड़े से आप स्लीव्स कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड कर लिया है उसी तरह, उसके बाद मैं अपना मार्किंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना शोल्डर मार्क करूँगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, मेरा शोल्डर है 6 12 इंच, तो 6 इंच होता है, 1/2 इंच मैंने लिया है एक्स्ट्रा फॉर हेमिंग। फिर मैं अपना आर्म होल मार्क करूँगी, तो अगेन 7.5 इंच में मार्क कर रही हूँ, मेरा होता है 7 इंच, बट 1/2 इंच में ज़्यादा लूँगी फॉर हेमिंग। तो इस तरह मैं मार्क कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं आर्म होल से मैं एक और एक लाइन क्रिएट कर लूँगी, ताकि वो हमारी चेस्ट रहेगी उसे हम एक लाइन दे देंगे और वहाँ पर हम अपना चेस्ट नापेंगे। उसके बाद हम अपनी नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2.5 इंच का नेक कट कर रही हूँ, ये टेम्प्ररी नेक है, इस तरीके ऐसे ही मैंने कट कर लिया, बाद में हम अपना ऑल शोल्डर कट ही करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना चेस्ट मार्क करेंगे, तो 9 इंच मेरा चेस्ट है, तो 9 इंच पे मैं मार्क करूँगी, 1/4 लेना है, जो भी आपका चेस्ट है उसका 1/4 लेना है। फिर हम अपना वेस्ट नापेंगे, तो वेस्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 30 इंच पे, पहले मैं लेंथ मार्क करूँगी, और वेस्ट मेरा है 7.5 इंच, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। जो भी आपका वेस्ट है उसका आप 1/4 लेकर मार्क कर लीजिए। वेस्ट मार्क करने के बाद मैं अपना मार्क करूँगी हिप्स, तो हिप्स भी मैंने 21 इंच मैंने लेंथ लिया है, और फिर 9 इंच मेरा हिप्स है, तो वो भी मैं मार्क कर लूँगी। तो आपको स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बना के मार्क कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आप 9 इंच पे स्ट्रेट लाइन, फिर तीनों लाइंस आप जोड़ दीजिए इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह आपको जोड़ देना है। और एक और लाइन बाजू से क्रिएट करनी है 1/2 इंच की या 1 इंच की, वो हम हेमिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो एक और लाइन मैंने बना दी है, वो हमारा हेमिंग के लिए रहेगा। फिर मैं अपना आर्म होल कट करूँगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंच टेप लूँगी, और मैं वो वी साइड से पहले मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी, और एक मैं मार्किंग दूँगी 1.5 इंच पे। जो 1 इंच का मैंने मार्क किया है वो मेरा फ्रंट साइड का होगा, और 1.5 इंच पे मेरा होगा बैक साइड का। फिर मैं एक शोल्डर को एक कर्वी शेप दे दूँगी, जैसे कि आपने देखा स्लैंड हमने करना है और कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच वाला मैंने अपना मार्क कर लिया है शोल्डर, हम 1 इंच पे नहीं करेंगे, 1 इंच का हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कटिंग कर लिया है, और उसके बाद हम अपना फ्रंट साइड लेंगे अपने कपड़े का, और उसके फिर वो हम वो भी 1/2 इंच कट कर लेंगे, और हमारा शोल्डर्स की कटिंग हो जाएगी, आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कर देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देख सकते हैं हमें अस्तर भी इसी नाप का कट कर लेना है, तो अस्तर को भी हम अब 4/4 में फोल्ड कर लेंगे। सिंपली अपनी कुर्ता उसके ऊपर प्लेस करेंगे, और चौक से मार्किंग करने के बाद उसे मार्क करके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया, उसके बाद हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम बचा हुआ कपड़ा लेंगे, उसे 4/4 में फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और उसके बाद सबसे पहले मैं उसकी लेंथ मार्क करूँगी। तो लेंथ मेरी है 21 इंच, तो 1/2 इंच आपको ज़्यादा लेना है फॉर हेमिंग। फिर वहाँ से हम कट करेंगे जितना भी हमने आर्म होल लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने आर्म होल लिया है 7.5 इंच, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच लेंगे, 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, वो हम हेमिंग के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद वहाँ से मैं लूँगी 3 इंच, और उधर एक स्लांट लाइन बना दूँगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपनी कलाई मार्क करूँगी, तो मैंने कलाई है 4 इंच, पर मैंने 5 इंच पे मार्क किया है फॉर हेमिंग। और फिर मैं अपना आर्म भी हाँ मार्क कर लूँगी, तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मैंने अपना, जो भी आपका 8 इंच पे मार्किंग है वो आप मार्क कर लीजिए, मेरा 5 था तो मैंने 5 मार्क कर लिया। फिर आप उसे एक कर्वी शेप दे दीजिए ऊपर की तरफ, और उसे स्लांट लाइन दे दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, और फिर उसे आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया है अपनी स्लीव्स, दोनों भी स्लीव्स कट करने के बाद जो आपका आगे का हिस्सा है, जो हमने अपने कपड़े में भी 1/2 इंच ज़्यादा लिया है हमारे आर्म होल, तो यहाँ पे आपको स्लीव्स के साथ भी करना है, उसे इस तरह फोल्ड करके आगे का कपड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच ज़्यादा आपको निकालना है, इससे हमारी चेस्ट की अच्छी फिटिंग आएगी। ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो 1/2 इंच आप ज़्यादा कट कर लीजिए, और कट कर लिया है उसको मार्किंग दे दीजिए, ताकि आप उसे
फ्रंट में ही लगाएं। उसके बाद आप अपना अस्तर का कपड़ा लेंगे जो आपने कट कर लिया है, और आप अपना मेन फैब्रिक लेंगे, उसे एक के ऊपर एक रखेंगे और फिर पिन से अटैच कर लेंगे ताकि आपको सिलने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं उसे अच्छे से प्रेस करके पिन से अटैच करके और साइड से पूरी एक सिलाई दे देनी है आपको। अच्छे से सिलाई देने की अब ये वजह है ताकि आप जब अपना कपड़ा सिले, आप अपना आर्म्स लगाए, अपना गला सिले, तो आपको ये बिल्कुल भी परेशान ना करे और आपका कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने दोनों फ्रंट एंड बैक ये कर लिया है। उसके बाद आप उसे एक के ऊपर एक रखेंगे और दोनों भी शोल्डर्स ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने दोनों भी शोल्डर्स ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आप दोनों भी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं ये दोनों भी स्लीव्स लूँगी और उसे अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्विंग मशीन से दोनों भी स्लीव्स अटैच कर रही हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों भी स्लीव अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम अपनी नेक कटिंग करेंगे। तो अच्छे से आपको टू फोल्ड में फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करें, यहाँ वहाँ बिल्कुल ना करें ताकि आपकी स्लीव, आपका नेक बराबर से कटे। तो यहाँ पे आपको देखना है आपका आर्म होल एक के ऊपर एक आना चाहिए, आपकी बगल, आपका एवरीथिंग आपको एक के ऊपर एक रख के अच्छे से बराबर से उसे अच्छे से फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद आप मार्किंग कर लीजिए। तो आपको जितना भी बड़ा ऑफ शोल्डर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मेरा लेंथ है, मैंने 4 इंच ही लिया है, मैं बिल्कुल भी जो मेरा गोल्डन का मटेरियल है, जो डिज़ाइन है, वो नहीं कट करूँगी और मैं सिर्फ शोल्डर से ले रही हूँ। मैं बिल्कुल भी स्लीव्स कट नहीं कर रही हूँ, मैं छोटा सा ऑफ शोल्डर बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा करना है तो आप स्लीव से भी ऑफ शोल्डर कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं ऐसा छोटा सा ऑफ शोल्डर कट करूँगी। उसके बाद मैं पिन से उसे अटैच कर लूँगी ताकि हमारा अस्तर का कपड़ा नीचे ना जाए और बराबर से हम अपना पट्टी लगा सकते गले के लिए। तो यहाँ पे मैंने पिन अटैच कर लिया है। पिन अटैच करने के बाद आप ऐसी पट्टी काटिए अपने अस्तर के कपड़े से और फिर एक हिस्सा आप उसे हेम कर लीजिए। तो एक हिस्सा हेम करने के बाद आप अपनी पट्टी लेंगे और पूरे चारों बाजू गले के लगा लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विंग मशीन। तो आप देख सकते हैं, मैं स्विंग मशीन से पूरे गले में ये पट्टी लगा लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया है। फिर आपको उसे फोल्ड करना है और एक और सिलाई देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड करके एक और सिलाई दे दिया है और अब मेरा नेक बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आप उसे टू फोल्ड में फोल्ड करेंगे इस तरह। आपको अब दोनों भी साइड स्टिच करनी है और जो आपका स्लीव्स का है बॉटम, उसे भी 1 इंच अंदर डाल के आप हेम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 इंच अंदर डाल के उसे भी हेम करना है और दोनों साइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साइड और स्लीव्स दोनों भी अच्छे से हेम कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ स्विंग मशीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने साइड और वो बिल्कुल हेम कर लिया। अब आप बचाए आप अपने कपड़े को सीधा कर लीजिए और जो आपका 4 कॉर्नर्स है आपकी कुर्ती का, फ्रंट एंड बैक दोनों भी साइड 1 इंच अंदर डाल के हेम कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मैं उसे अच्छे से फोल्ड करके हेम कर लूँगी और उसके बाद मेरा कुर्ता बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ईजी था।